अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज है ईद का दिन। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है, वो दिन है आज का दिन, जिसे हम कहते हैं ईद उल फितर। और मैं आपको बता दूँ, मुसलमान सारे रोज़े रखता है रमज़ान के, फिर उसके बाद अल्लाह का हुक्म होता है ईद की खुशी मनाने का। तो जो लोग रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं, उनको ज़्यादा हक होता है ईद की खुशी मनाने का। तो आज ईद का दिन है, तो आज ईद का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आज का व्लॉग हमारा ईद से रिलेटेड ही रहेगा। तो फ़िलहाल मैं जो है तैयार हो गया हूँ, नया कपड़ा पहनकर। अभी हम जो है मस्जिद में जाएंगे और ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, तकबीरात कहेंगे, फिर उसके बाद लोगों से गले मिलेंगे, मुबारकबाद देंगे। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, पूरे मुमरा का व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। मुमरा में ईद का क्या माहौल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अल्लाह मिन्ना व मिनकुम। बहुत बहुत खुशी मनाओ भाई, ईद अच्छे से सेलिब्रेट करो आप लोग भी, और सबको मुबारकबाद देते रहो हमारे से भी, सबको मुबारकबाद अहमद भाई की तरफ से, सबको मुबारकबाद, ईद मुबारकबाद। बच्चे लोग से भी मिलते हैं, बच्चे लोग से मिलते हैं, ईद मुबारक, 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 तकब्बल अल्लाह, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। Oh yeah.
अरे भाई तुम जरा नीचे हो ना भाई। ईद मुबारक है भाई, ईद मुबारक। अब हमको रब अल्लाह ने तीन बार मिलते भाई, तीन बार मिलते यार, तीन बार वीडियो वीडियो मार रहा भाई। क्या शॉट हो गया, 160 160 हो गए। रब अल्लाह ने नम रियन 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 ईद मुबारक है भाई, बढ़िया आइए मुरियाले भाई, ईद मुबारक। शेख रज़ा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, अल्लाह का व मिनकुम, माशाल्लाह, ईद मुबारक टू ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ सलाउद्दीन, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर, वयकुम वयकुम। और एक बार जो सुकून है ना ईदगाह मिलने का, ये सुकून हमारे दोस्तों के साथ, हमारे जान पहचान वालों के साथ, ये जो खुशी है वो अनदर लेवल है, अनदर लेवल है। इसको बोलते हैं ना, अपने शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, जज़ाकअल्लाह। तो मैं जा रहा हूँ आदम के घर में शीरकुमा पीने, वो देखो बुला रहे हैं। एक तो आदम का घर 5 माले के ऊपर है, ऊपर से लिफ्ट भी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है रोज़ा लग गया मेरे को। और मैं पहुंच गया हूँ आदम के हवेली में, जहाँ आदम मेरे लिए इस्तकबाल करेगा शीरखुमा और पता नहीं क्या क्या रखा है। हे अस्सलाम वालेकुम हबीबी, तुम लोग ने खा लिया क्या? हाँ, एड़े साली मत किया क्या? शीरखुमा भी है, हम लोग ये देखे तेरे लिए, बैठ। अच्छा, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह भाई। क्या बोलते हैं, पूरी बोलते हो, ये पूरी और ये कबाब दोनों को डालकर, हाँ सही है, माशाल्लाह। क्या बोल रहे थे भाई, हम लोग टेरिस पे बैठ के जो है आदम भाई के घर के खाने खा रहे, और ये ऐसा बाहर का नज़ारा आप देखो, चारों तरफ खुशी का माहौल है पूरे मुमरा में। दोस्तों ईद के टाइम पे ना ये जो भोंगा बजा रहे ना बच्चे लोग, ये बहुत ही गलत हो रहा है भाई, ये मुसलमान लोगों की निशानी नहीं है। ये देखो, देख रहे हो, यहाँ अगर मैं बोलूँ कुत्ते भोंकने से अगर औज़ु बिल्लाह पढ़ा जाता है तो ऐसा इनके लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए भाई। ईद है यार, ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो, ऐसी आवाज़ें मत निकालो, लोग परेशान हो जाते हैं यार, परेशान हो जाते हैं, थोड़ा समझो।
तो चलो मैं जा रहा हूँ अभी आदम को मेरे घर पे लेके। अभी हम लोग वहाँ पे जाके आदम को मैं चावल की रोटी खिलाने वाला हूँ। नली नहीं आ रही है भाई। आइए दोस्तों। हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह सलाउद्दीन के घर से चावल की रोटी है। खाते की रही की जगह खाओ। चाय मामी आने जी मामी किकरी जी मामी उद्घाटन कर दिया शुरू किया उसने। सच बताओ दोस्तों ईद के दिन भाई बहुत नींद आती है और मैं ना भाई 12:30 बजे सो गया था। अभी जाके 5:30 बजे मैं उठा हूँ और मैंने सोचा कि यार ईद को जो है सोते हुए नहीं गुजारना चाहिए, थोड़ा बाहर जाके खुशी मनाना चाहिए। तो चलो मेरा दोस्त आया है फैयाज को लेकर पूरे मुमरा घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि मुमरा में ईद का माहौल कैसा है। यहाँ पे भाई अभी इतना बड़ा नहीं है, यही से एंट्री है। तो जैसे कि भाई हमारे यहाँ पे एरिया में ईद की खुशी में मेला लगा है वफा पार्क में, तो आप देख सकते हैं पीछे मेला है। तो हम लोग यहाँ पे भी ड्रोन उड़ाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मेला कितना बड़ा है और कैसा मंजर है, क्या खुशी हो रही है यहाँ पे, मेले में कितने लोग आए हैं। तो पूरा ड्रोन पे हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं ना भैया। ये भाई मुमरा का माहौल, ईद का माहौल है ये। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? साहब कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहे हैं सही में? हाँ। कितने दिन के लिए? ज़्यादा नहीं, एक महीना। अरे जाके आओ, जाओ एंजॉय करके आओ। चारों तरफ देखो भाई ईद का माहौल बना हुआ है, सब सो के उठे ईद की नमाज के बाद, सब सो गए थे, अभी शाम को सब उठे हुए हैं और सब ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चार शेख जा रहे माशाल्लाह। हबीबी सऊदी के चार शेख। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अबे यहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ ये सेल्फी पॉइंट है, ये मेरे हिसाब से मर्जिया पठान की तरफ से है सेल्फी पॉइंट। उमरा में पहली बार ऐसा सेल्फी पॉइंट बना है ईद मुबारक का।
पब्लिक जो है रास्ते पे टूट पड़ी लाइन लगा रही है सिर्फ सेल्फी लेने के लिए ईद मुबारक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान से ऊंट आ चुके हैं। एक मिनट बाबू, पाकिस्तान ब्लॉग डाल दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान से ऊंट आ चुके हैं हमारे मुमरा के अंदर माशाल्लाह। और यहाँ पे राइडिंग पे 100-100 रुपया ले रहे, बड़े लोग का 100 रुपया, बच्चे लोग का 50 रुपया। ये मेरा भाई है, बच्चा ही है सिर्फ दिख रहा बड़ा है लेकिन बच्चा है वो तो 50 रुपया लो, इसको बिठा दो, हो जाएगा, बिठा दो ना भाई। तो हम लोग थोड़ा मेला कवर करते हैं फिर उसके बाद ऊंट पे बैठने की कोशिश करेंगे। तो फैयाज कैमरा पकड़ा दी, चल आगे आगे। मैं आ गया हूँ मुमरा का सबसे बड़ा मेला जो लगा है ईद का वहाँ पर, और मैं अभी यहाँ से ड्रोन शूट निकालने वाला हूँ। ड्रोन शूट फटाफट निकालते फिर उसके बाद मैं आपको मेले के अंदर लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा क्या क्या मेले में आया है, ठीक है। पब्लिक लाइन लगेगी